आदित्य नदी पात्र ने कभी अजान की सूरत मुझे दिखाई थी। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ चालू रहना। जब कभी अजान की सूरत मुझे दिखाई थे मैं रोजा रख के तेरा इंतजार करता हूँ। चौथे मिसरे पर इस्तकबाल करेंगे आप अपने महबूब आमदार का। कि कभी अजान की सूरत मुझे दिखाई थे मैं रोजा रख के तेरा इंतजार करता हूँ। और खुदाया इनसे मोहब्बत का हक मुझे देना, मैं ऐसे काम बहुत शानदार करता हूँ। शरीफ अहमद डी साहब मंच में, तस्लीम फरमा शेख रशीद साहब मंच में, तस्लीम फरमा कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी अरकान, कारपोरेटर, साबिक कारपोरेटर और इस जलसे गाह के अंदर तस्लीम फरमा हमारे सभी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी मां और बहने, सबसे पहले मैं इस जलसे गाह के अंदर आए हुए शहर के अलग अलग इलाकों से और रविवार वार्ड की आवाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने आज इस जलसे को तारीखी बनाया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र की असेंबली का चुनाव होने जा रहा है और मालेगांव शहर के अंदर इलेक्शन अपने शबाब पर चल रहा है। आज मुझे अपने आप के ऊपर फख्र है कि मैं ऐसे इलाके के अंदर खड़ा हुआ हूं जहां पर इस इलाके के अंदर मौलाना नुमानी साहब का मकान रहा, मौलाना अब्दुल कादिर साहब का मकान रहा, मौलाना हनीफ मिल्ली साहब का मकान है, मौलाना अकील मिल्ली साहब का यहां मकान है, मौलाना नकी साहब का इस इलाके के अंदर मकान है। ऐसे इलाके के अंदर मैं आज मालेगांव शहर की आवाम और इस इलाके की आवाम से बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और आज मैं इस इलाके के अंदर सुबह 10:45 बजे से इस इलाके का मैंने घर घर दौरा किया। वोट की अपील की और एक खास बात मैंने इस इलाके के अंदर बहुत करीब से देखा कि रंगीन का कारोबार, रंगीन लूम मैंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस इलाके के अंदर देखा। हमारी मां बहने रंगीन सूत चरखे के ऊपर काम कर रही थी, एक बहुत बड़ी तादाद हमारी मां बहनों की मैंने यहां पर देखा। टबलर यहां पर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर
इस इलाके के अंदर मैंने मेरी आंखों से देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हजारों लोग इस रंगीन कारोबार से जुड़े हुए हैं और हजारों लोग को रोजगार मिल रहा है। आज इस दुनिया के अंदर हमारे उलमा, जिन लोगों का मैंने नाम का जिक्र किया, दो तीन उलमा हमारे बीच में यहां नहीं है, इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मगफरत करे। हमारे बुजुर्ग सियासी लीडरान हारून अहमद अंसारी साहब, निहाल अहमद साहब और शब्बीर शेख आयशा हकीम साहिबा, साबिर सत्तार साहब इस दुनिया के अंदर नहीं है। आज जब ऐसे हालात इस मुल्क के अंदर है तो आज वो हमारे बुजुर्गों लीडरान की, आज हमारे उलमाओं की हमें याद आ रही है कि इस हिंदुस्तान का जो आज माहौल है और ये शहर आज जिस मोड़ के ऊपर आकर रुका हुआ है, आज अगर हमारे उन उलमा हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद होते दुनिया में, आज हमारे वो बुजुर्ग लीडरान अगर इस दुनिया के अंदर होते तो शायद आज उनकी रहनुमाई हमें काम आती। दोस्तों, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते जरूर हमारे लिए आज काम आएंगे। दोस्तों, उनकी कुर्बानियां आज हमें जरूर याद आ रही है कि मालेगांव शहर को बनाने के लिए, हमारे रोजगार को बढ़ाने के लिए उनकी रहनुमाई जो रही, उनकी जो कुर्बानियां रही, आज हमको उस रास्ते के ऊपर चलना होगा। मैं मालेगांव शहर के उन रंगीन के कारोबार करने वाले हमारे बुनकर भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मैं आज हमारे शहर के बुनकर भाइयों से बात कहना चाह रहा हूं कि ये शहर को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। यह असेंबली का इलेक्शन यह सिर्फ एक कुर्सी का इलेक्शन है और उसके बाद फिर 5 साल बाद इलेक्शन आएगा, फिर वही कुर्सी का इलेक्शन लड़ा जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सोचने के लिए दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने फैसला करने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग हमें दिया है और कुछ हिकमत अमली भी हमारे काम आ सकती है। आज हमारे गांव शहर को जिस रास्ते के ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है, अगर इस शहर के बुनकर भाइयों ने, इस शहर के उलमाओं ने, इस शहर के नौजवानों ने, मालेगांव शहर के मजदूरों ने और मालेगांव शहर की आवाम ने अगर नहीं सोचा और नहीं फैसला लिया तो ये दिन नहीं आएगा हमें सोचने का, बाद में सोचेंगे कि हमसे गलती हो गई। दोस्तों और साथियों, मैंने फतेह मैदान के जलसे के अंदर भी यह बात कही, आज दोबारा कह रहा हूं,
कि जब हुकूमत बनी 2004 के पहले इस हिंदुस्तान के बुनकरों के ऊपर एक्साइज लगा दी गई। याद करो वो दिन जब हमारा मालेगांव शहर डेढ़ महीना बंद था। दोस्तों डेढ़ महीना बंद था, रिलीफ तकसीम हो रही थी, घर के अंदर अनाज नहीं था। याद करो वो दिन इस शहर के हमारे लीडरान शेख रसीद साहब और पावर रूम तंजीमों ने गली से लेकर दिल्ली तक जंतर मंतर तक एहतजाज किया और हमें उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर हमारी फरियाद करना पड़ी। जब जाकर एक्साइज हटी, याद करो 2014 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई इस मुल्क के ऊपर। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आते ही साथ आप बोलोगे कि सिर्फ मालेगांव में पावर रूम थोड़ी है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी पावर रूम है, भिवंडी के अंदर भी मुसलमानों के पावर रूम है, एक बड़ी तादाद इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की है जो पावर लूम के कारोबार से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई, एंटी डंपिंग टैक्स लगा दिया गया, ड्यूटी ड्रॉबैक लगा दिया गया। फिर उसके बाद मेरे साथ कई पावर लूम तंजीमें पाली बालोतरा का सफर किया गया, मुंबई के अंदर धरना दिया गया, भिवंडी के अंदर मीटिंग ली गई। जब जाकर हमने लड़ाई लड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और जाकर हमको वहां पर बात को रखना पड़ा, स्मृति ईरानी के पास में जाकर उसके बाद जाकर वो मामला हमारा खत्म हुआ। इसी नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारे ऊपर जीएसटी लगा दिया। कितना परसेंट? 18% जीएसटी लगाया गया पावर लूम के ऊपर। फिर हम लोगों को नुमाइंदगी करना पड़ी, फिर 5% जीएसटी हुई। आज भी कई लोगों के ऊपर वेट का पैसा बाकी है, नोटिसें आती है, साइजिंग का मसला। आज कुछ लोग साइजिंग के मामले के अंदर, मैं आज बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, पूरे मजमे को पूरे मालेगांव शहर के आवाम से, चाहे वो मेरा मुखालिफ साइजिंग वाला हो, चाहे वो मेरी पार्टी का मानने वाला नहीं हो, उसको ईमानदारी से जाकर पूछना और उसे कहना कि ईमानदारी से बता कि साइजिंग के मामले में किसने मदद की, तो वो जरूर ये कहेगा अगर वो ईमानदार है तो बोलेगा शेख आसिफ ने मदद जरूर कहेगा। हमने ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी का है, हमने ये नहीं देखा ये हमारे मुखालिफ है, हमने ये नहीं देखा कि उसने हमें वोट दी है या नहीं दी है। और मैं बहुत सारी कानूनी बात नहीं बता सकता कि कैसे हमारी वो साइजिंग की सड़क बची और बचाने का काम हम लोगों ने किया है, कॉरपोरेशन से भी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लड़के भी किया गया है। दोस्तों आज भी लटकती तलवार हमारे ऊपर है, 15 अक्टूबर को तारीख है। ऐसे हालात इस सड़क के ऊपर बार बार आते रहे, लेकिन हम लड़ते रहे, लड़ते रहे। हमारे बुजुर्गों की
बताए हुए रास्तों के ऊपर लड़ते रहे और ये शहर को पावरलूम सनत को फतेह दिलाते रहे, यही हमारे बुजुर्गों ने कहा सिखाया और हमने किया है दोस्तों। आज मेरा इस इलाके के सभी और मालेगांव शहर के सभी बुनकर भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, ये क्यों बचा? आजादी के बाद से आज तक अगर हम फतेह हासिल करते रहे, पावरलूम सनत के लिए लड़ाई लड़ते रहे और हम जीतते रहे, सिर्फ उसकी वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने ये शहर को सेकुलर रखा, भाईचारा रखा, इतिहास का पैगाम दिया और सरकार की नजर में हमारा शहर को अच्छी नजर से देखा जाता रहा। लेकिन आज इस असेंबली इलेक्शन में सिर्फ एक कुर्सी के लिए, एक कुर्सी के लिए कुछ लोग ये शहर के अंदर एमआईएम का लेबल लगाकर फिरका परस्तों को जगाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। एमआईएम का लेबल लगाकर इस शहर को बर्बाद करना चाहते हैं कुछ लोग। जाहिर सी बात है हुकूमत आज हमें दिख रहा है कि कौन सी पार्टी की आने वाली है। आप मेरा सवाल है आपसे लोगों से, क्या हम एक शख्स के लिए यह शहर को छोड़ सकते हैं क्या? क्या हमारे नौजवानों को छोड़ना चाहते हो क्या? क्या यह शहर को बर्बाद करना चाहते हो क्या? फैसला इस शहर के बुनकरों को करना है दोस्तों। मैंने एक हमारे शहर के बहुत मौजी डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं आसिफ भाई। मैंने कहा डॉक्टर साहब 25% लोग ये शहर से बाहर जाते हैं धंधा व्यापार करने के लिए, गरीब लोग। उन्होंने कहा कि सर्वे मुझे नहीं पता था, मतलब बचा लो ये शहर को। उन्होंने कहा कि जरूर ये शहर को बचाने की लड़ाई है, ये शेख आसिफ को जिताने की लड़ाई नहीं। मेरे बुनकर भाइयों, ये शहर के नौजवानों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं बचा लो इस शहर को जो हमारे बुजुर्गों ने बचाया, हमारे बुजुर्गों ने इसको बढ़ाया, हमारे बुजुर्गों ने इस सनत को बढ़ाया, आप इसको बचा लो। इलेक्शन आते जाएंगे, जाते रहेंगे, लेकिन एक शख्स के लिए, एक कुर्सी के लिए अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, ये शहर को बचा लो दोस्तों। फैसला आप लोगों को करना है, शहर की आवाज को करना है। इलेक्शन में हार और जीत होती है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम है मेहनत करना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, यह हमारा पुख्ता ईमान है। अल्लाह ने हमें जिल्लत किया तो घर जाकर बैठेंगे, लेकिन ये शहर को बचा। अगर इज्जत दिया तो आज मैं बोलना चाहता हूं इस शहर के बुनकरों से, इस शहर के मजदूरों से, छोटा मोटा व्यापार करने वालों से, अगर आपने जिम्मेदारी दी, अल्लाह ने इज्जत की, तो इन 5 सालों के अंदर मैंने जितना काम किया उससे डबल आप लोगों के लिए लड़ने का काम किया। शहर को बचाने के लिए फिरका परस्तों से लड़ने की जरूरत आई तो लड़ने का काम करूंगा, मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों। बहुत झूठ बोला जा रहा है शहर, मुझे बोले अंगूठा छाप। मैंने भी जब अखबार में पढ़ा और किसी ने बताया, मैं मुस्कुरा दिया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब
आप जिस मोहम्मदिया मदरसे के शेखुल हदीस थे ना, वहां का तालिबे इल्म था। चलो मान लिया आप तो पढ़े लिखे थे, 5 साल में क्या किया ये तो बता दो। आपकी दस्तखत से सर्टिफिकेट है मेरे पास। उर्दू घर ऐसी आ गए, फ्लाईओवर ऐसी बन गया, असेंबली में बात ऐसी बोल दिया, हिल स्टेशन ऐसी बन गया, क्रिकेट ग्राउंड ऐसी बन गया, वॉलीबॉल ग्राउंड ऐसी बन गया, कंप्यूटर ऐसी दे दिया, किताबें ऐसी दे दिया। अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुमने क्या क्या यह बताओ, इधर उधर की बात मत करो, इधर उधर की बात मत करो, ध्यान बना लो, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बताओ कि काफला क्यों लूटा। अल्लाह का करम है कि मराठी बोलता भी हूं, मराठी पढ़ता भी हूं, उर्दू पढ़ता भी हूं, उर्दू बोलता भी हूं, इसलिए हल्प लिया वहां पर। और मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है कि हमारे शहर के अंदर इतना झूठ बोला जा रहा, इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना बोला गया मौलाना ब्रिज, मौलाना नुमानी ब्रिज, मौलाना नुमानी ब्रिज। मुफ्ती साहब सरदारी चलती है इस इलाके की, मैनेजर साहब चलती है कि नहीं? 4 सरदार को बैठा लो, 4 सरदार बोल रहा हूं, या जितने सरदार अपने इस इलाके के होंगे, इसी खयाबान निषाद चौक पर पंचायत बैठा लो, अगर नुमानी ब्रिज का 1 रुपया पैसा भी ठेकेदार को अदा किया गया वह कॉरपोरेशन से, राजकरण छोड़ देगा श्रीपास। इस इलाके की आवाम को मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वो कॉरपोरेशन के पैसे से नहीं बन रहा है, ना कॉरपोरेशन उसको कभी पैसा अदा करेगी। एक ठेकेदार से 1.35 करोड़ रुपया भरवाया गया, और हारून अहमद अंसारी जहां हॉस्पिटल बन रहा वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनाने का उसको ठेका दिया गया। वो तो हमारी हिकमत अमली थी, जो ठेकेदार को ये हमने पाबंदी की कि देखो पैसा हम नहीं देंगे, फ्री में ये भी बिल्डिंग बना के देना पड़ेगा फ्री में। तुम बोलते पैसा खा लिए, निकाल लिए, शर्म आना चाहिए झूठ बोलने के वक्त आपको। अल्लाह का करम है, अरे आप तो आलिम थे, आप तो मुफ्ती थे, आप तो एमएलए थे, आपके तो 3 मेयर थे, 4 मेयर थे, शहर से तो बहुत प्यार किया। मुझे बताओ कि मौलाना नुमानी साहब के नाम पर आपने कौन सी इमारत तामीर की, बता दो, सवाल है मेरा, बताओ। मौलाना नुमानी साहब ने महाजन मिन्नत मदरसे की जमीन वक्फ की, अल्लाह का करम है कि यही शेख आसिफ ने वहां का वॉल कंपाउंड बनाने का काम, अल्लाह का करम है, कल्ला ने हमसे काम दिया। आप तो ये चाहते तो इस शहर के हमारे जितने बुजुर्ग आलिम दीन थे उनके नाम से अलग अलग लाइब्रेरी, अलग अलग इमारतें बनाते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया उनके लिए। और अल्लाह का करम है, मैं आज इस लोग यहां के रहने वालों से बोलना चाहूंगा कि नुमानी ब्रिज बारिश की वजह से काम रुका हुआ है, बारिश की वजह से, बारिश खत्म होगी, नदी का पानी खत्म होगा इंशाअल्लाह, यहां से लेकर बागे महमूद तक का रास्ता भी बनेगा और वो ब्रिज भी मुकम्मल।
अरे आपने बना देना था कम से कम, आप भी तो एमएलए थे, आपके भी तो मेयर थे, इस वार्ड से आपके भी तो कैलकुलेटर है और पहले भी थे, आप बना देते। आपने तो कुछ नहीं किया, काम मत बोलो, माल कहां से आएगा ये बोलो। दोस्तों मैं इस इलाके की आवाम से बोलता हूँ, आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे हम, इस शहर के आवाम के साथ विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। और हमारे उलमाओं के लिए, अरे अल्लाह का करम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम अगर किसी शहर ने दिया, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे दिया, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। अरे अल्लाह का करम है कि फ्लाईओवर ब्रिज जो बन रहा है उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम देने का काम किया। क्या उर्दू घर बन रहा है उसके अंदर जाकर देखो, 100 लोगों का नाम है, हमारे शहर को उलमा का नाम हमने लिखा है, निहाल अहमद साहब का नाम दिया, सबीर सेठ का नाम दिया गया। और मैं तो मैं कहता हूं कि आपकी हेल्प लो, आप भी कसम खाओ और हम भी कसम खाते, जितना तुम इल्जाम लगाते हो तुम भी बोलना कि तुम सच बोल रहे, तो मैं भी बोलूंगा मैं सच बोल रहा हूं। नहीं बोल सकते तुम झूठ बोल रहे हो, शहर के नौजवानों की तुम गलत रास्ता बता रहे हो, छोकना चाहते तुम शहर के नौजवानों को, तुमने तो लाइसेंस ही बना के दिया, लूट डाला बच्चों, लूट डाला 30,000 बच्चों को, पैसा कहा है उसका हिसाब दो नौजवानों को, उसका हिसाब दो, वो हिसाब तो नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, अभी मौलाना बता रहे थे कौन शादी में एक मामला तकरीर में, हमारा दोस्त इम्तियाज जलील आया, आज मैं बता रहा हूं, हमारा दोस्त मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इम्तियाज जलील साहब आए, उन्होंने कहा कि बग्गी भी होगी घोड़ा भी होगा। मैं खासतौर से मुफ्ती साहब के जो लोग काम करे उनके लिए है, या जो दूल्हे के पीछे बाराती चल रही उनके लिए, ये कैसा होने वाला मालूम इलेक्शन के आखिर आखिर में, घोड़ा भी होगा, मुफ्ती साहब उस पर बैठेगी भी, बाराती चलेगी भी, ढोल भी बजाएगी, जब निके का वक्त आएगा मुफ्ती साहब बोलेंगे कि महर की रकम भी तुमको देना पड़ेगा, तो उधार लगेगा, मैं बोलेंगे शादी के बाद देता हूं मैं, ऐसा हाल शुरू हो गया है दोस्तों। और ये हमारे भ्रष्टाचार की बात करते, क्या टोकरा लाते, क्या लाते, क्या तमाशा करते, मदारी का खेल करते, अरे मस्जिद और मीनारों का शहर, मुझे बताओ इनका खड़ा इतना भर गया है, इनका खड़ा इतना भर गया है, इनको घड़े को वर्क फ्लो हो रहे संभालने के लिए 3-3 लीडर लग रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार की बात करते हो, चाहे मेरे भाई लोग हो, चाहे हजार खुली के 6 मेंबर के लोग हो, चाहे ये हजरत हो, चलो इस खैबान निसाद चौक से मेरा चैलेंज है, कल कमिश्नर को पहले वार्ड नंबर 21 वार्ड नंबर 18 का लेटर दो के यहां की भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ इसकी साफ और सुथरी चौकसी करा लो, और मैं भी लेटर देता हूं, चलो चैलेंज है मेरा। अगर तुम ईमानदार हो तो मुफ्ती साहब के पूरे शहर के काम की इंक्वायरी का लेटर दो, और नहीं तो मैं शेख आसिफ कहता हूं तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तुम लोग, तुम्हारा खड़ा भर चुका है, 21 तारीख निकल जाने में 22 तारीख की सुबह की किरण के साथ तुम्हारे भ्रष्टाचार उजागर करने के काम ये शेख आसिफ करेगा। उसके बाद मत बोलना कि समझाओ उसको, मत बोलना किसकी सुने होनी, शेख आसिफ जो कमेंटमेंट कर देता तो खुद की नहीं।
अपने आप की नहीं थी। और आज कमिटमेंट और इसको निभाऊंगा और इसको निभाऊंगा। मैं आए दोस्तों मालेगांव शहर के आवाम से बोलना चाहता हूं कि ये शहर को बचाने का इलेक्शन है और न तो मेरा एक और बोलना है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और जो आप सब सपोर्ट कर रहे उर्दू घर की तरह एक इमारत बता दो 50,000 रुपये में से इनाम लेगा। तुम तो संडास नहीं बता सकते। दोस्तों और साथियों, मैं आज शहर के आवाम से बोलना चाहता हूं कि आप ये शहर को बचा लो, इस शहर के नौजवानों को बचा लो। इस शहर के अंदर हमारे तालीमी याफ्ता नौजवान जो बाहर जाते उनको बचा लो, इस शहर की सड़क को बचा लो, इस शहर के गरीबों को बचा लो, इस शहर के दुनकरों को बचा लो और इस शहर की मस्जिद और मीनारों के शहर को बचा लो। ये जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। आप पंजाब निशान पर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आए हुए सभी लोगों